सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है, कैसे आप लोग? ईद कैसी गुजर रही है? आज ईद का मजा दोबारा करें क्या? एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा फनकार आज हमारे साथ मौजूद है, अगर हम कहें वाकईतन लेजेंडरी, वाकईतन आइकॉनिक पर्सनालिटी जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इतने फैंस हैं इस शख्सियत के अनगिनत, जहां जिस मुल्क में, दुनिया के किसी कोने में जाएं, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। इनका नाम लें, हर कोई इनको पहचानता है, हर कोई इनको जानता है। एक से एक बढ़कर इन्होंने गाना दिया है, और वो गाना हमारा यूथ भी सुनता है, हमारे बड़े लोग भी सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग भी सुनते हैं, और हमारे बच्चे भी सुनते हैं। पाकिस्तान का नाम लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सिंगर तो हैं ही, लेकिन एक बेहतरीन इंसान भी हैं। तो आज आपकी भरपूर तालियों में हम इस्तकबाल करेंगे मेरे, आपके, पूरी दुनिया के सबसे फेवरेट सिंगर, प्लीज वेलकम उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। बैठिए राहत भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कमाल कर रहे हैं, आप होंगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। थैंक यू सो मच। आप यकीन करें कि हमने इतने शोज किए हैं, और मैंने बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पे, बहुत जगहों पे शो होस्ट किया, लेकिन आज यकीन करें कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शो टुडे। जोरदार तालियां राहत भाई के लिए। राहत भाई के साहबजादे चश्मो चराग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे शाहजमान अली खान के लिए। आइए जी। शाहजमान ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो रही कि आज वालिद साहब और आप, हमारे सब बातें गुफ्तगू होने वाली, घरेलू किस्म की गुफ्तगू? मतलब आप कुछ ऐसी गुफ्तगू करने वाले हैं? नहीं कुछ नहीं, कैजुअल गुफ्तगू। तालियां बजाइए जोरदार। हमारे तीसरे मेहमान बहुत खास मेहमान है, पाकिस्तान के नामवर सीजनड कॉलम नगार हैं, तज़ियाकार हैं, सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं, और सबसे बढ़ के बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन इंसान हैं, पूरे पाकिस्तान के दोस्त हैं। प्लीज़ वेलकम जोरदार तालियों में अकरम चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन राहत भाई, शाहजमान चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आज आप हमारे शो में तशरीफ लाए। क्या बात है, और आज का शो मजीद स्पेशल हो गया आपके आने की वजह से। राहत भाई, पहले तो आप बताइए कि ईद कैसे गुजारते हैं? ईद यूजुअली तो हम लोग ईद पढ़ के तो उसके बाद फिर सोते ही हैं, क्योंकि गर्मियों की जो ईद होती है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता, बाहर नहीं निकला जाता, बड़ा मुश्किल तो काम वो है। और ये वाली जो ईद है, बड़ी ईद, इस पे कुर्बानी देनी होती है, उसके बाद ख़ास ख़ास जो दोस्त हैं उनको ख़ास ख़ास गोश्त पहुँचाना होता है। सही है, सही है। तो इसलिए ये एक जो फरीजा है वो अदा करते हैं, वो अदा करके फिर सोना ही होता है। सही है। और अब तो माशाल्लाह बेटा जो है आपका शाहजमान, वो सारे काम कर लेता होगा
मतलब जानवर को चूज करना या कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है शाहजमान, आप बताइए। जी एक दो बार गया हूँ जरूर। अच्छा। पहली बार तो मेरी वालदा को मतलब मेरी चॉइस नहीं पसंद आई। अच्छा। फिर अगली बार उन्होंने मुझे बता दिया, फिर उन्होंने भेजा जाएगा मुझे जाकर फेस टाइम करो, फिर मैं लेके आया था उनकी मर्जी से, मतलब छोटे मोटे काम। बिल्कुल सही, जरूरी है यार, वेरी नाइस। चौधरी साहब आप बताइए जनाब, ईद कैसे गुजारते हैं आप? ऐसे भाई ईद वाकई इसी प्रैक्टिस से सबके यहाँ गुजरती है, मगर हम थोड़ा सा इसे डिफरेंटली लेके चलते हैं। अच्छा। इत्तफाक से मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, माशाल्लाह। तो नमाज के फौरन बाद पूछर बाहर खड़ा होता है, ये बड़ी बात है कि आपको मिल जाता है फौरन, ऑलरेडी एंगेज होता है, एंगेज होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मस्जिद है वहाँ जमात भी खासी अर्ली होती है, तो यानी हम प्रैक्टिकली 8 बजे बिल्कुल फारग हो जाते हैं, कुर्बानी के तमाम अमूर जो हैं खासे जल्दी तय हो जाते हैं। बड़ी बात है, वरना वो कहते हैं ना कुर्बानी की जो ईद है उसका सबसे बड़ा स्टार और सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कसाई होता है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था किसी को, वो बड़ी जल्दी मिल जाता है। सही है, वेरी नाइस। राज भाई, ईद फैमिली के साथ मोस्टली पाकिस्तान में गुजरती है, आपके इतने टूर्स होते हैं पूरा साल, माशाल्लाह यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान, और क्या ऐसा सोचते हैं कि यार ईद आने वाली अब हमें घर पे होना चाहिए, सब लोगों के साथ होना चाहिए? कुछ कुछ साल पहले ऐसा ज़रूर हुआ है कि जो ईद है वो हम दोनों की दोनों ईद जो हैं वो बाहर ही गुजर गई, बाहर गुजरी। तो फिर उसके बाद थोड़ा हमने उसको प्लान आउट किया कि यार ये वाला जो है यानी छोटी ईद, उसके बाद बड़ी ईद, उसके बाद फौरन मुहर्रम आ जाता है, सफ़र आ जाता है, तो इस वाले टाइम में हमें जो 2-4 महीने नहीं करना। अच्छा, जाहिर है मुहर्रम में तो बिल्कुल ईद का खास ये सफर एज वेल, सफर भी नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। जी शाहजमान ये बताइए कि आप कब से ट्रैवल करना शुरू किए अपने वाले साहब के साथ? आई थिंक 3 years, अभी 2-3 years हुए हैं, ठीक है, अब साथ साथ होते हैं माशाल्लाह, प्रॉपर्ली साथ शुरू किए को तो अभी यही हो रहा, ठीक है। तो वो बचपन की ईद कभी ऐसे हुई है कि बड़ा याद किया या नहीं है, टूर पे गए हुए और फिर फोन पे फोन किया और इस तरह से गुजरा? ईद में बस सिर्फ यही याद होता था कि वो जानवर आएंगे, वो कटेंगे और हमने देख के मतलब खुश होना है, वो खुश होना, बस वो ये वहाँ तक ही है। उसके बाद फिर थोड़ा सीन चेंज होता गया, तो बस अभी ऐसे ही नॉर्मली है। ऐसे में मैं आपका एक और तारीफ कराना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई वजाहत अली खान भी यहाँ मौजूद हैं, माशाल्लाह वजाहत भाई के लिए जोरदार तालियां। और मेरा हरदिल अजीज ग्रुप, पूरा मेरा जो बैंड है, राशिद अली खान साहब द मेन लीडर ऑफ दिस बैंड, और आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। जोरदार तालियां बजाइए, मैं चाहूँगा बल्कि आप सबके हमें नाम बताइए। कामरान अख्तर साहब हैं और इमरान अख्तर साहब हैं, सुलेमान अली हैं और वसीम हैं, बिलावल लाहौती हैं, अली रज़ा हैं, ग़ुलाम अब्बास साहब हैं, हसनैन साहब हैं, आमिर अली साहब हैं और मेरा कज़न फरत अली खान साहब। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा राज भाई, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आपने इनका तारुफ कराया कि ये टीम वर्क से इंसान की कामयाबी जो है उसमें छुपी होती है। जी बिल्कुल, टीम वर्क के अलावा नामुमकिन चीज़ें हो जाती हैं, जो पॉसिबल होनी होती हैं चीज़ें, वो टीम वर्क अच्छा ना हो तो वो अफेक्ट करता है। मैंने सुना एक दफ़ा इनको टिकट्स नहीं कहीं पे मिली, बल्कि शायद ये ज़्यादा ही मरतबा, तो आपने एक प्राइवेट प्लेन जो है वो हायर किया इनके लिए। वो हुआ ये कि जब 2011 की बात है तो हमारे जो पासपोर्ट्स थे वो कैनेडियन एम्बेसी में हमने सबमिशन करवाई हुई, ठीक है, तो वो जब उनका वो दिल होता है और देखते हैं वो उस वक्त वो वीज़ा देते हैं। इस दौरान हमारा सियाटल का, अमेरिका में ही थे, सियाटल का हमारा शो था और हमने वॉशिंगटन DC से जाना था। अब जो हमारे पासपोर्ट हैं वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो सारे वो वहाँ थे। अब एक ही सूरत हाल थी कि हमें एम्बेसी से, पाकिस्तानी कौंसलेट से हमें सफ़रनामा मिल जाता सबका, और उसके बाद हम सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम फ्लाइट अपनी जो है वो चार्टर्ड करवा लेते, पर्सनल एक करते। जी पर्सनल, तो वो फिर आपने, वो हमने 2 चार्टर्ड करे और वहाँ पे फिर हम पहुँचे। क्या बात है यार, क्या बात है। चौधरी साहब, इतने बड़े आर्टिस्ट आपके साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कमी तो है नहीं, प्लेटफॉर्म्स की शायद कमी होगी, टैलेंट की नहीं है। हम हर वक्त न्यूज़ सुनते हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो ये नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा ये बताइए।
नाजुक दौर ख़त्म होगा अगर हम उसे ख़त्म करने के लिए अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए पूरी कौम तैयार नहीं है। नहीं है तैयार? नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सेल्फलेस नहीं हैं। अच्छा। हम अपनी ज़ात के शहर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुझे अपने नेक्स्ट डोर का नहीं पता कि उसके घर क्या हो रहा है। जिस कौम में ये बीमारी सराइयत कर जाए वो बहुत मुश्किल में होती है। और आज का जो हमारा इशू है वो मेरा अपना है, बाकी लोगों का नहीं है, इसलिए कि हम सब इसी बीमारी में मुब्तला हैं कि मेरा क्या बनेगा। मैं जो सोच रहा हूँ अपने लिए ही सोच रहा हूँ। तो जब तक ये सोच तब्दील नहीं होगी, कौम की इज्तमाई सोच की तब्दीली की ज़रूरत है। और तब्दीली इसलिए करना कि हमें इक्तदार हासिल हो जाए, ये नाकामी की अलामत है। तब्दीली इसलिए करना कि कौम मुतहद हो जाए, कौम में तब्दीली आ जाए और कौम एक पॉजिटिव सिमत पे चल पड़े, ये कामयाबी होगी। और उसके लिए क्या बात है, मेरी पावर के लिए नहीं, कौम को मुतहद करने के लिए। कौम को मुतहद करने के लिए अगर आप सिर्फ पावर के लिए ये काम करेंगे तो हम 1947 के बाद 71 में आधा पाकिस्तान गंवा दिया, और 71 के बाद आज 2024 तक हम इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ चुके। यानी आज हम यकीन मानिए सिर्फ धक्का लग रहा है, हमें ये धक्का लग रहा है। और जिन लोगों को इस मुल्क के मुफादात हासिल हैं उनके लिए सब अच्छा है, बाकी 90, 95, 96% जो लोग हैं इस मुल्क के, उनसे उनके घरों के हालात जाके पूछे तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये सोच अगर हम नहीं पैदा करने में कामयाब हो सके कि मैं ही पाकिस्तान हूँ, मुझे ही पाकिस्तान के लिए सोचना है और मुझे ही पहले बेहतर होना है, तब तक बेहतरी नहीं आ सकेगी। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पैगाम है ईद पे ज़बरदस्त ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और राहत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और राहत भाई अपने म्यूज़िक के ज़रिए जो जितनी मोहब्बतें इन्होंने बांटी हैं, जितनी दिलों में जगह इन्होंने बनाई है, जितना पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने तक इन्होंने पहुंचाया, शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। तो हम आगे बढ़ेंगे और फरमाइश करेंगे राहत भाई से कि एक ज़बरदस्त कलाम से आगाज़ करेंगे। राहत भाई, अक्सर आप एक ख़ास कलाम से आगाज़ करते हैं, वो क्या है ज़रा बताइए लोगों को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ नाम पहुँचाया गया हुआ है जी, और मुझसे पहले मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करूँगा। क्या बात, क्या बात। और नो डाउट आप लोग यकीन करिए कि जिस जगह में हमारी बोली समझी नहीं जाती जी, हाँ जी, हमारा हमारी लैंग्वेज को नहीं जानते लोग, हमारे मुल्क के उस मैप तलक को नहीं जानते लोग, उस उनके घरों तक में पाकिस्तान का नाम पहुँचाने वाला वाहद आर्टिस्ट है जिसका नाम नुसरत फ़तेह अली। क्या बात, क्या बात। वेलकम बैक। राज एक सवाल मैं बहुत बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनसे ज़रूर मैं ये करता हूँ कि अल्लाह ने इतना मकाम, इतना नाम, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, सब कुछ दिया, क्या लगता है आपको कि एक इन सब चीज़ों के पीछे एक इंसान में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उसको ये सब कुछ मिल जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंसान को इंसान की खिदमत करने का वो अहद होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। क्या बात है, इंसान की खिदमत, बहुत इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत खिदमत करना, अल्लाह ताला से मांगे, वो इसलिए मांगे कि मैंने दूसरों को देना है। क्या बात है। एक चीज़ जो मैंने तमाम, मैं आपसे मिलता हूँ या आबदा परवीन साहिबा से या और हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड बड़े बड़े नाम हैं, मैंने उनको इतना, आप सब लोगों को इतना आजिज़ देखा, इतना एक्सट्रीमली आजिज, इतना हम्बल कि आप चाहे हम लोग एक निजी महफिल में मुलाकात हो, टेलीविज़न के सेट पे मुलाकात हो, कहीं लाइक फ्लाइट में मुलाकात हो जाए, बट यू आर सो हम्बल। तो दिस इज़ आप जब देखते ना कि यार ये कितना बड़ा इंसान, इतना हम्बल है, तो बड़ा दिल को जाके ये बात। चौधरी साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि एक आर्टिस्ट का हम्बल होना कितना ज़रूरी है? जिस दरख्त को जितना फल लगता है ना जी, वो उतना झुक जाता है, जाता है। क्या अगर वो नहीं झुकेगा तो वो टूट जाएगा। ओहो, ये अल्लाह का अपना नाम। क्या गहरी बात है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह जिसको बड़ा बनाता है उसके अंदर ये जज्बा भी पैदा करता है। और मैं दुनिया में जो लोग फन की दौलत से
या माली दौलत से नवाजे जाते हैं, मेरी राय ये है कि अल्लाह उन्हें ह्यूमन बैंक्स में कन्वर्ट करता है और वो उन्हें सिर्फ इसलिए देता है कि वो इंसानियत और इंसानों तक उस काम को मुकम्मल करें जो अल्लाह ने उनके ज़रिए ज़िम्मे लगाया है। बहुत हो गया, वेरी नाइस। अच्छा राहत भाई, आपने तो 6 साल की उम्र में माशाल्लाह, बल्कि शायद उससे पहले 6 साल से पहले बचपन से ही सुनना भी शुरू कर दिया और गाना भी शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि पहला जो ब्रेक था आपका, यानी आपको ये लगा कि यार अब मुझे मौका मिला है और इस चीज़ से मुझे अचानक से एक अपलिफ्ट मिला, वो क्या था? 6 साल से तो बाकायदा मेरी तालीम का खान साहब जी ने जी उस्ताद मुसफ़त अली खान साहब ने आगाज़ किया, देखा कि यार गा सकता है आवाज़ ये, मतलब जिस जो जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो उसी तरह से सही रिसाइट, यानी उनको आप में फेथ था, वो उन्होंने बनाया पैदा बिल्कुल, करा बिल्कुल। तो मतलब अप्रिशिएट करके नहीं, कर लोगे अच्छा। गाओ अप्रिशिएट अच्छा। तो फिर गाने का जज्बा पैदा हुआ। वो ये हुआ कि जब वो सब लोग अपना अपना काम करते थे, लोग वाह वाह करते थे, क्लैप्स करते थे, तो मेरा दिल भी ये था कि मैं गाऊँ तो मैं क्लैप हो। अच्छा माशाल्लाह, तो इस जज्बे ने ना मुझे इस फील्ड में डाला, आपको लाइक डिटरमिनेशन अपलिफ्ट किया, वेरी नाइस। अच्छा वो एक पर्सनल बेसिस पे खान साहब के साथ, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ गानों में, लाइक ऑडियंस में तो देखा हमने आपको बैठ के आलाप लगाना, उनके साथ गाना, उनके साथ बैठना, पर्सनल बेसिस पे आपको क्या ट्रेन किया करते थे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो ये क्लासिकी मौसीकी है जी, इसकी सिखलाई तो सारी ज़िंदगी जारी रहती है, सही, वो मुकम्मल नहीं होता है, गवैया गायक जो है वो मुकम्मल नहीं होता, वो उसकी सिखलाई जारी रहती है, उसको कभी अपने बेटे से भी मिल सकता है, कभी उसको अपने भाई से भी कोई चीज़ मिल सकती है, कभी उसको अपने कुलीग से भी कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है जो उसके लिए नई है। तो जो जो तलाश करने वाला, जो तलाशी इंसान होता है ना, जी, उसको मिलता रहता मिलता है। जो तलाशी नहीं है उसको कुछ उसको नहीं मिलेगा। क्या खूब बात की, क्या बात है। और हर वक्त ये जस्तजू कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये जस्तजू लगी रहनी चाहिए। कोई ऐसा वाक्य खान साहब के साथ जो कहीं पे जरा डांट पड़ गई हो या आपको जरा डर पड़ गया हो कि यार ये क्या, कोई ऐसा वाक्य? मुझे तो बड़ी डांट, बहुत बड़ी डांटें पड़ती रही हैं। सारी बात है कि जो गलती नहीं करेगा उसको पता कैसे लगेगा कि गलती क्या होती है, कैसे करना है, ठीक कैसे करना है जी। तो गलती, मैं समझता हूँ कि गलती हो जाना एक एक वो एक जुमरा है इंसान होने के नाते से, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आल्सो। आप इंसान सीखता भी है और इंसान तो गलती करता है, ये तो हो ही नहीं सकता कोई इंसान गलती ना करे। इंसान है तो गलती होगी, वो तो हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो जो हमारा एक बना है, जहाँ से हम इंसान बने हैं, वो माफी तो आपको पता नहीं कि कब हुई। बिल्कुल, हम सब सही बात। तो कोई ऐसा वाक्य खान साहब के साथ हमें याद आपको आता है कि जो बड़ा मेमोरी में रह गया आपके बचपन की? मुझे इश्क की हद तक गाने से लगाव है, सही। तो मेरे लिए तो वो चीज़ डांट वो काफ़ी होती थी कि जब कोई ऐसी चीज़ हो जानी कि उनको उनके मैार के मुताबिक नहीं है, सही, जो मैंने ऐसी गलती की, गलत आवाज़ लगा दिए हैं जो कि नाकाबले बर्दाश्त हैं। अच्छा। वो नहीं माफ़ी उसकी हो सकती। अच्छा, तो फिर उन्होंने ये इतना कहते थे, यार छोड़ दो तुम गाना, ये तुम नहीं गा सकते। अच्छा। तो हमारे लिए सिर्फ ये होता था कि आज मौत हो गई है। ये बोल दिया तो ये बहुत बड़ी बात, ये कॉफिन पैक हो गया है। अच्छा, तो शाह जमान के साथ क्या होता है? शाह जमान जरा बताइए यार कि कितनी डांट पड़ती है, कम ज्यादा क्या सिलसिला है? मेरे साथ तो ये सीन है कि ही इज टू फॉरगिविंग, कि वो अबू मुझे ना माफ लीनियंट है, बहुत फॉरगिविंग, लेकिन जब वो सही वाली गलती हो जाती है ना, तो फिर वो ना उनकी खामोशी से मुझे पता लग जाता है मुझे चले जाना चाहिए, सिर्फ आंखों से देख के पता लगता है, थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही वो अपने आप को कूल कर लेते होते हैं। देखिए शाह मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, अगर आप चले जाओगे तो मुझसे पूछोगे कैसे कि क्या गलती हुई, हुआ क्या है, हुआ क्या है, तो उस चीज़ को जाने से पहले वो मामला को सही कर दिया, सही करके जाना चाहिए, उसी वक्त ख़त्म करने चाहिए मामला। अच्छा, सिंगर्स को तो बड़ा मना भी होता है कि ठंडा पानी नहीं पीना, शाह जमान की इस तरफ भी ज़रा आप करते रहते हैं ट्रेनिंग कुछ? जी, इसका आवाज़ थोड़ा सा हमारे जो प्लेबैक गायकी है उससे मुख्तलिफ है। अच्छा, इसका एक आवाज़ इंटरनेशनली जो जिस तरह के वोकल्स हुआ करते हैं आर्टिस्टों के, इसका माशाल्लाह उस तरह से उसका वोकल है, और इस लिहाज से जो है वो इसको केयर भी उसी तरह से करनी है।
तो जो कि इसका एक और मेडिकली नुक्ता नज़र से भी जो इस एज में जो है वो बहुत परहेज आपको करनी होगी, तब कहीं आपको जाके जब आप 25 के होते हैं तो तब बहुत सारी उम्मीदें सुनने वालों के जुड़ जाया करती हैं। बिल्कुल, तो उस 5 साल इसके पास अभी 5 ईयर्स हैं, ठीक है, तो इस 5 ईयर्स में कुछ ऐसा करना है कि 50 साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Please welcome Murali Chauhan. जी अस्सलाम वालेकुम। अरे वसलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आप सबको भी ईद मुबारक। ईद के हवाले से ही नज़्म देखिए पंजाबी में। यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल वखाई, यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल वखाई, तैनू आवे किसे दी आई। यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल वखाई, तैनू आवे किसे दी आई, आना सी तू सुबह सवेरे हुन वजे ने ढाई, तैनू आवे किसे दी आई। पैरी झांजर मथे मेहंदी रंग बिरंगे गाने नाले बन्ने गैस पकाने, पैरी झांजर मथे मेहंदी रंग बिरंगे गाने नाले बन्ने गैस पकाने, किड्डे चावां नाल सी परसों टोका छुरी लवाई, ओ तैनू आवे किसे दी आई। डेढ़ कु लख दा बकरा लैके रह गए भुखे भाने, मेरे रोंदे रहे न्याणे, मिलिया बंद मोबाइल मैं तैनू जद भी कॉल मिलाई, तैनू आवे किसे दी आई। सानू लारा ला के भाइया जिथे भी तू जावे, शाला जेड़ा जानवर टावे मारे तेरे ढिड च ढुड ते लभदा फिरे दवाई, तैनू आवे किसे दी आई। और ये उर्दू में चंद अशआर देखिए कि जिस दिन ना मेरी बात हो जाने अजीज से, वाह, जिस दिन ना मेरी बात हो, जिस दिन ना मेरी बात हो जाने अजीज से, ये दिल नहीं बहलता किसी और चीज से, ये दिल नहीं बहलता किसी और चीज से, एक नाजनी से हाथ मिलाने के वास्ते, एक नाजनी से हाथ मिलाने के वास्ते धोने पड़े हैं हाथ मुझे मर्सिडीज से, रंगत स्याह मोटे हैं होंठ और करली बाल। अच्छे बाल, रंगत स्याह मोटे हैं होंठ और करली बाल, निकला हो जैसे चांद कोई वेस्ट इंडीज से, निकला हो जैसे चांद कोई वेस्ट इंडीज से, इजहार इश्क कर तो दिया करके हौसला, इजहार इश्क कर तो दिया करके हौसला, वो सटपटा के बोली ओ हेलो तमीज से। और ये एक और के जौरो जफा अजल से हसीनों का तौर है, जौरो जफा अजल से हसीनों का तौर है, यानी के अहले दिल पे नहुसत का दौर है, 100 बार पूछा मेरी मोहब्बत का क्या बना, 100 बार पूछा मेरी मोहब्बत का क्या बना, हर बार हंस के बोली अभी जेरे गौर है, हर बार हंस के बोली अभी जेरे गौर है, होती है जिसकी थाने में छतरौल बार बार, होती है जिसकी थाने में छतरौल बार बार, उस शख्स की मोहल्ले में वखरी ही टौर है। और होते हैं इश्क में सभी रज के जलीलो खार, होते हैं इश्क में सभी रज के जलीलो खार, लेकिन हुजूर मुरली का लेवल ही और है। बहुत शुक्रिया मुरली साहब, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, तालियां बजाइए जोरदार। जनाब राहत भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम देखेंगे, आपके फेवरेट गाने सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। जनाब वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या फेवरेट फूड है जो सामने आता तो फिर रुका नहीं जाता यार? देखिए वो उसमें गोश्त लाजमी होना चाहिए। करेले गोश्त, प्याज गोश्त, धनिया गोश्त, ओके, तो आलू गोश्त, आलू जरूरी है,
ठीक है, ओके भाई। शाहजवान, क्या घर में ज़्यादा फेवरेट बनता है, जो फरमाइश होती है कि भाई आज खाना हम ये खा रहे हैं? बस ज़्यादातर गोश्त की चीज़ें, जिस तरह वो कह रहे हैं ना, वो बस थोड़ा मिक्स होता रहता है। करेले गोश्त थोड़े ज़्यादा पसंद, ज़्यादा पसंद, पालक गोश्त पसंद आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। और बिरयानी जो है वो भी जब डैडी के लिए बनेगी तो वो भी मटन के अंदर बनेगी। अच्छा, वो बस थोड़ा सीन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा माशाल्लाह, दुनिया के सिंगर्स आपको सुनते हैं, तमाम लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इंटरनेशनली, हर जगह बहुत कदर करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं आप। आपको कौन सी, खान साहब के अलावा, नुसरत फतेह अली खान साहब के अलावा, कोई ऐसे सिंगर जो प्लेबैक सिंगर हैं जो आपको बड़े पसंद हैं, उनको आपने बहुत सुना है? मैं अपने वालिद साहब का नाम लेना चाहूँगा। जैसी गायकी उन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद गाई है, अगर मैं फर्स्ट नुसरत फतेह अली खान साहब को दूंगा तो मैं सेकंड जो है वो मैं अपने वालिद साहब को दूंगा, उस्ताद फर्रुख फतेह अली खान। फर्रुख साहब, बिल्कुल फर्रुख फतेह अली खान साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या खूबसूरत गायकी का अंदाज, मैंने मैंने नहीं देखा। और मैंने बहुत सारी दुनिया को सुना है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को सुना है, उनका अंदाज उनसे भी नहीं मिलता था। उनका एक अलग जानरा था, उनका एक अलग अंदाज था, जिसको हम फर्रुख फतेह अली कहते। क्या बात है, क्या बात है। और अगर हम पाकिस्तान से बाहर किसी को सुनते हैं, देखते हैं, बहुत से सिंगर्स हैं आजकल के भी और पुराने भी, तो कौन आपको बहुत पसंद है? मुझे ये जो टैडी स्विम बहुत पसंद आया हुआ है आजकल। मेरी बेटी ने रिकमेंड किया, पापा आप इसको सुने जरा, ठीक है? तो मैंने देखा वो कि एक वो पागल सा, गंजा सा बंदा, मैं कहा कौन है पागल आदमी? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा ना करिए, आप इसको आराम से सुनिए, वो फिर आपको पता लगेगा। और वाकई वो बहुत अच्छा गाता है। क्या बात है, वेरी नाइस। शाहजमान, माशाल्लाह हर तरफ इतने बड़े बड़े नाम, पूरी फैमिली में लेगेसी को आगे लेके चल रहे हो, और अभी यू जस्ट स्टार्टेड, माशाल्लाह यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और बहुत अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। कोई ऐसे सिंगर्स जो हम घर के अलावा, कोई बाहर के सिंगर्स जो आपको बड़े पसंद हो और इनके गाने आप सुनते हो? आउट ऑफ फैमिली आई लाइक श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल पसंद, मुझे वो बहुत पसंद है। कौन सा गीत उनका बहुत पसंद है? उन्होंने तो गाया भी, आपने तो गाया भी श्रेया जी के साथ, तो आपने कपल ऑफ सॉन्ग्स। जी, तो रामलीला के कुछ सॉन्ग्स हैं वो भी मुझे बड़े पसंद हैं। अच्छा, पद्मावत के अंदर भी उन्होंने बड़े बहुत अच्छे, उन्होंने तो उनकी जो है ना, वैसे तो टोटल कलेक्शन ही उनके अगर शुरू से देखा जाए तो वो जब से वो एंटर हुई थी और अभी तक जिस तरह चल रहा है, वो मार्वेलस सॉन्ग्स उन्होंने जो है ना गाए। नो डाउट, आई लाइक हर फर्स्ट सॉन्ग बेरी पिया, बड़ा बेदर। बेरी पिया, क्या बात है यार, क्या गाना। राव भाई, हमेशा जब आपने बचपन से शुरू किया ये काम, तो कोई ऐसी फीमेल सिंगर जिसके साथ ड्यूट करने का हमेशा आपने सोचा कि मैं इनके साथ अगर ड्यूट हो तो बड़ा अच्छा लगे? नहीं, ऐसे मेरा प्लेबैक का इरादा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था जी। ये अभी जो गाना मैं अभी आपको सुना के चुका हूँ, लागी तुमसे मन के लेकर, ये मेरी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की डेथ के बाद जो हमने, मैंने और मेरे वालिद साहब ने, हमने एक एल्बम का सोचा था। जी जी, तो हमने वो एल्बम के उन गानों में ये गाना था, हमने उसका एल्बम का नाम ही सोचा हुआ था, लगन। ठीक है, तो ये जो है ये कोइंसिडेंट है कोई कि मैं प्लेबैक गायकी में मुझे शुमार किया जाने लग गया। अदरवाइज क्या, आपने इंडिया में इतने बड़े बड़े फिल्मों के लिए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के लिए, फिर पाकिस्तान के बहुत से ओएसटीज और फिल्म्स के लिए, मैं आपको एक बात, शहजाद रफीक साहब की एक पंजाबी फिल्म थी काफ़ी साल पुरानी, तो जब मैंने उसका म्यूज़िक मैंने कुछ नहीं सुना था उसमें, ना स्टोरी सुनी चौधरी साहब, ना मैंने कुछ और सुना, उन्होंने मुझे आके पहले ना गाने सुनाए, तो उस्ताद जी की आवाज़ थी, तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा ये मेरे ऊपर होगा गाना? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, यदि आप जो दाइयाँ चार चार गाने हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे पास गाने पिक्चराइज करें, क्योंकि हर हीरो की ख्वाहिश होती है कि आपकी आवाज में गाना जो उन पे पिक्चराइज हो। एहसन भाई, आपने जिस तरह से मेहनत की, मैं जानता हूँ, मैं बचपन से एहसन भाई को देखता हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं देखता रहा हूँ। क्या बात है, ये मैं बताऊँ, ये भी एहसन भाई भी जो बैठे हैं मेरे सामने, ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की ब्लेसिंग है, हम दोनों को उनकी ब्लेसिंग, बिल्कुल है उनकी दुआ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उनकी दुआ है, बिल्कुल सही। और माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा जनाब चौधरी साहब, आप अपने कॉलम्स के एंड में हमेशा एक शायरी, बड़ी कोई ज़बरदस्त नज़्म होती है, कोई गज़ल होती है, इस मौके पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने भी बात की कि दुआ जो है ना जी, वो कैसे शुरू होती है। आप नुसरत फतेह अली खान की ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा ले रहे हैं,
तो आज मिनी वर्ल्ड कप हो रहा है जी। तो आप 92 के वर्ल्ड कप का तसव्वुर करें कि टीम की मोटिवेशन के लिए उनका क्या रोल था। अच्छा, पाकिस्तान में उनके दो ऐसे रोल हैं जो मैं समझता हूँ कि कभी नहीं भुलाए जा सकते। सही। पहला तो जो मोटिवेशनल सिंगर के तौर पे उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, वो एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है उनके ज़िम्मे कि लोग उनसे इंस्पायरेशन लेते थे और वो इंस्पायरेशन आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती थी। सही। और ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। बिल्कुल। उनके साथ मैं दिलदार हुसैन भट्टी को भी ज़रूर याद करूँगा, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ इन लोगों को जो दुआएं लग रही है ना, वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जो चैरिटी के लिए काम किया है, जो म्यूज़िक के बुनियाद पर पैसा इकट्ठा हुआ है, लोगों को आज इतनी ऑर्गेनाइजेशन में उस चैरिटी के ज़रिए इस्तफादा हासिल हो रहा है। बिल्कुल। तो वो इनके लिए दुआ उनके सीनों से हमेशा जारी रहेगी। वाह वाह। और ये दुआ वो है जो इनके लिए कामयाबी की नवीद बन गई है। क्या और मेरी ये इनसे भी हम्बल सबमिशन है कि इन दुआओं को संभाल के रखें, उन दवाओं की कदर करें और इंसानियत की खिदमत जो है ना, वो आप अपने फ़न के ज़रिए करते हैं, अपने जज्बे के ज़रिए करते हैं, लेकिन ये जो खिदमत नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने शुरू की, इन तक कन्वर्जन हुई, इन्हें उसको हमेशा जारी रखना चाहिए। और ये जो चैरिटी के इस तरह के इवेंट्स या दुनिया में आज पाकिस्तान के जो लोग चैरिटी में नंबर वन है ना, जी जी जी, लार्जेस्ट इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। इन्होंने लोगों को मोटिवेशन पैदा करने के लिए, अपने तक लाने के लिए, लोगों को यूनाइट करने में, पाकिस्तान के लोगों को ऑर्गेनाइज चैरिटी के लिए पुश किया है। वेरी गुड। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सही। और मेरा ख्याल है कि आज हम इसी पे अगर गौर कर लें तो यही सबसे बड़ी नज़म है। क्या वो मिल के पाकिस्तानियों की खिदमत करें और मिल के पाकिस्तानियों के हालात बदलने पे काम करें, और अगर हम सब इस पे सोचना शुरू कर दें तो आप यकीन माने यही हमारा पाकिस्तान है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्या बात है। चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप आगे हमारा जो सियासी फ्यूचर है, ज़रा उसकी आज प्रडिक्शन तो करें ईद पे, लोगों को हम बताएं कि क्या होने जा रहा है आगे। प्रडिक्शन जो है ना, करने की ज़रूरत नहीं है, घर के भाग दरवाजे से नज़र आते हैं। अच्छा, तो हमें खुद सोच रहे हैं कि हम किस तरफ भाग रहे हैं। क्या हम भाग रहे हैं तबाही और बर्बादी की तरफ या अपनी बेहतरी का रास्ता सोच रहे हैं? लेकिन चौधरी साहब, कभी जो आवाम है वो बहुत कुछ चाहती है और वो होता नहीं है। आवाम चाहती है, करती कुछ नहीं। आपको लगता है? आपको लगता नहीं है ऐसा? अच्छा, अगर वो चाहती हो तो उसके लिए विल जब होती है ना जी, तो फिर आप वो काम करते हैं। यहाँ पे विल रही नहीं है। यहाँ पे लोग, अब पता नहीं, बड़ी बदकिस्मती है हमारी, ऑनेस्टली हम बिल्कुल ही चीज़ों से अपने आप को सिर्फ अपनी ज़ात और दौलत के पीछे बिल्कुल अधे पागलों की तरह भागे जा रहे हैं कि शायद यही सब कुछ है। तो जब आपकी सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, महदूद हो जाती है, तो फिर तबाही और बर्बादी के अलावा कोई सफ़र। आपको क्या लगता है आवाम को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे? देखें, आवाम को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो देखें ना आप, मैं लोगों को कहता हूँ, मैं प्रीच भी करता हूँ, यानी कि अगर मैं अपने लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक के चार लोगों को देखना शुरू कर दूँ कि इनकी हालत कैसी है, तो मैं ज़्यादा जिम्मेदारी ना लूँ, इन चार की बेहतरी के लिए काम करूँ, अपने करीबी लोगों की। सही। आप सिर्फ अपनी सराउंडिंग देखें, उन चार लोगों को, चार घरों को, चार अफराद की बेहतरी को देखें, उनका कोई इशू है, कोई मसला है, कोई मुश्किल है, उनके साथ खड़े हों, तो वो अपने आगे अपने चार को देखना शुरू कर देंगे, हम अपने मसाइल को हल करने लगेंगे। लेकिन हम एक आदमी की तरफ देख रहे होते हैं, हमारे मसाइल नवाज शरीफ ने हल करने हैं, इमरान खान ने करने हैं, शहबाज शरीफ ने करने हैं, आसिफ जरदारी ने करने हैं, असी की करना है भाई जान, असी सिर्फ सोचे नहीं आए हैं। अच्छी बात। मेरा मतलब है कि हमें खुद कुछ करना चाहिए। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो नौजवान यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनके बारे में क्या? तो ये निशानी है ना इस बात की कि वो सिर्फ दौलत के लिए जा रहे हैं, ना उनके लिए मुल्क मानी रखता है, ना उनके लिए अपनी धरती की अहमियत रह गई है, ना रिश्ते नाते रह गए हैं, ना अपने हमसाए रह गए हैं, ना बड़े रह गए हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी को बनाने जा रहे हैं। तो अगर अपनी ज़ात और ज़िंदगी को देखेंगे तो ऐसा ही होता है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है कि अपनी ज़ात से निकल के भी देखें, लोगों का ख्याल रखें। और इस ईद का मकसद भी है, कुर्बानी जो है ये एक जेस्चर है, लेकिन असल में कुर्बानी अपनी अना की होती है और बहुत सी अपनी फेवरेट चीज़ों की होती है कि आप लोगों के लिए कुछ करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।
सिला, वेलकम बैक। अच्छा साहब, हमारी ऑडियंस बड़ी बेचैन है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, तो ऑडियंस की जाने बढ़ेंगे। माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम राज सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिग फैन हूँ आपकी। थैंक यू सो मच। आपके इतने ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, तो कोई ऐसा सॉन्ग जो सुनकर आपको लगा हो कि काश मैं ये ना गाता? अच्छा सवाल है, ये नहीं पूछा कि कौन सा फेवरेट, काश के मैं ये ना गाता। हाँ, नाम नहीं लूँगा मैं। मैंने कई कई जो बहुत सारे गाने हैं, मैंने लिरिक्स अच्छे ना होने की वजह से मैंने छोड़े हैं, क्योंकि मैंने सब गाया ही नहीं है। सिलेक्शन मैंने वो की है और जो कि मैं गा सकूं। नहीं, क्या लिरिक्स से बुराई थी, मतलब कौन से गाना? कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली, इतनी भी जरूरत कोई नहीं। चले कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली, ऐसा है, माफ करें। अच्छा, नहीं नहीं वो नहीं, एक उसमें आया था, हमरा भूतों में नाम रे, वो ऐसा कुछ आ गया। और ऐसे बहुत सारे लिरिक्स जो कि वो उनका सर पैर नहीं होता था, तो मैं उनको कहता था ना कि यार कंपोजिशन अच्छी है, इसको लिरिक्स को चेंज करके ले आइए। एक हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट रेखा जी का इन्होंने नाम लिया, उनको डेडिकेट हो गया। अब तो हर आर्टिस्ट चाहेंगे कि आप उनको गाना डेडिकेट करें, बड़ी मुश्किल हो गई आपके लिए। शाहजमान, कितनी बार ऐसे लगा है कि अब इनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो ज़रा मुश्किल में पड़ गया हूँ, या बिल्कुल अब 100% कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा जब हर बार बैठते हैं, हर बार, क्योंकि हमेशा देखा भी उस्ताद यूसुफ अली खान साहब को जी इस तरह ही देखा है दादा को, कि जब आए हैं तो नया ही हुआ है, ये सेम सिखलाई यहाँ पे भी हुई है, और जब अबू आते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है, तो बस डर होता है कि अब जो है ना सीखना भी है करना भी है, तो प्रेशर रहता है। वेरी नाइस। अच्छा जनाब, आप लोग कसाई को कौन कौन तलाश? ओ लो, आ गया जी, आ गया। बकरा ले कटता नहीं ये कजला तुम्हारा, कहाँ से लिया रे इतना ये महंगा, बकरा ले सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब, की हाल चाल है? बड़ा करम मालिक, तुम्हें तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आज यहाँ क्या कर रहे हो? यकीन करो मैं तो खुश हो गया, मेरे सारे पुराने गाके थे ने। हाँ जी, सारे पुराने गाके। ओ हाँ जी, तुसी ही हो गए, चौधरी साहब हो गए अपने, खान साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, क्या चाल है? अरे सही है। मेरे हाथों तेरे बकरे ककटे ना भी। नहीं, गलत हो, गलत हो, यहाँ से गलत हो। नहीं खान साहब, नहीं नहीं, ये ऐसा है ही नहीं, ऐसा तुसी सोरा तक सारी जिंदगी इनके सामने नहीं गा सकता भाई। मैं सर नहीं गा रहा, लेकिन तुम्हारी में मेरी रोजी रोटी चलन दियो। अगली बात करो यार, तुम्हारी तो चल रही है, मेरी रोक जानी जे। अरे जानवर जाए, चांपे भी जरूरी थी, कलेजा भी जरूरी था, जरूरी था के कर देता मैं टोके से, मगर फिर याद आया इस का कीमा भी जरूरी। मैनू पता लगा लव मैं आ गया कसाई, तो तुम्हें पता फिर आवे ना हो नहीं सकता खान साहब, यहाँ तो कोई कुर्बानी नहीं हो रही, यहाँ पे करना है। तो फिर इन्ने बड़े कसाई क्यों बुलाए? खान साहब तुम फटाफट बकरा लैके, मेरे को टाइम नहीं गया, यकीन करो मैं बहुत ही बिजी कसाई है जे। साढ़े को तो बकरे ही बकरे, टाइम साढ़े को भी नहीं है। भाईजान मैं तो वैसे भी तो बकरा करना ही नहीं है, भाईजान इन्हों का जरा बकरा ना बहुत अंग्रेजी अगो बोलता है, मैं गया वा पिछले रिजिबा करन, अगो कहता डोंट टच मी। Keep our distance, otherwise I will toddy you. मैं जिंदगी में पहला बकरा देखा जो यूके की नेशनलिटी बाहर चले, मैंने बकरे को तेल लगाया है। बाहर जाके आपको बकरा देंगे।
ਮੈਂ ਬੱਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਸਿਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ बकरे दा मालक बनना बकरे दा मालक बनी दा बकरे का मालिक क्यों हाँ जी क्योंकि मैंने कहा ना 5-6 हरी बकरा गलत जिबा आया तो मैंने फिर फाड़ के कुट देने तो मैं जिबा करूँ तो मेरे ना मालक की लत्त बनना हाँ जी भाजन यकीन करो बड़ी कुट पैंदी हाँ जी उस तो बाद ना दूसरी शर्त खल भी आप लाण गए तेरा काम की रह गया यार मैं बह के वो कलीजी नहीं खानी बाद नहीं नहीं वो असल ना पिछली बारी मैं एक बकरे की खल लाई ना तो उन्हें बहुत चीज मैं नहीं करता तुम बैठो मैं कसाई बुलाया तो ही कर दे मेहरबानी मेरे को फटाफट बकरे करा लो मैं हले चौधरी अकरम साहब के घर भी जाना अच्छा चौधरी साहब उधर भी जाना है उसे मैं लेट हो गया ना तो बकरे ने मेरे खिलाफ ही कालम लिख देना इन्हों के घर से माशाल्लाह बकरे सारे पढ़े लिखे ने ये तो जो बकरा लैन जाता पहले तो सीवी चेक कर दे कितना पढ़े हुए और पिछले साल मैं बकरा करन गया तो मैंने मना करता मेरी दिहाड़ी मार गई और बकरा कोई वाहवा पढ़ा लिखा सी फिर उन्होंने ईशो कराने लग गए राज भाई आपके साथ किस तरह से वक्त तेज़ी से गुजरा ये तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं और आपका वक्त बहुत कीमती है आप हमारे शो में आए एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा आचार्य साहब बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो अल्लाह ताला आपको खुश रखे सलामत रखे शादोबाद रखे बिल्कुल आमीन थैंक यू और शाहजमान क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस से आज आप क्या कहूँ मैं बस खुश रहें और ईद के मौके के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दें कम से कम अपनी फ्रिज में रखें अच्छी बात है ज्यादा से ज्यादा बांटें जी चौधरी साहब क्या पैगाम देंगे कुर्बानी का पैगाम यही है कि अपनी जात से बालातर होके सोचें ठीक है उनके लिए सोचें जो हकदार हैं कुर्बानी का पैगाम यही है कि हमें दूसरों के लिए सोचना है दूसरों के लिए करना है खुशियाँ बांटें आज के दिन में वेरी नाइस खुशियाँ बांटें यही समा टीवी का भी पैगाम है